हेलो का, तो स्वागत है आप सबका टीम सोरेन के यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन भी कर रहे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं आजकल जो हमारा मैच रहेगा लंदन स्पिरिट वर्सेस इधर से मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच में, एंड ये है एलिमिनेटर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये द 100 का फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, सीधा एलिमिनेटर उसके बाद में सीधा फाइनल है। तो इंग्लैंड में कुछ ऐसी चीज़ें चलती है फुटबॉल अगर आप देखते हो तो, ठीक है। और यहाँ इन्होंने क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही किया कि सिर्फ यहाँ पर टॉप 4 टीम्स नहीं, यहाँ पर सिर्फ टॉप 3 टीम्स जो है एक तरीके से क्वालिफाई करती है, एंड फर्स्ट टीम सीधा गई फाइनल में जो कि ट्रेंट रॉकेट्स है, और जो बाकी के नीचे की लाइक सेकंड और थर्ड पोजीशन की टीम है वो खेलेगा एलिमिनेटर में। जो भी जीतता है वो सीधा जाएगा फाइनल में, और जो हारती है वो टीम हो जाएगी बाहर। तो दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये जो रहने वाला है। एंड कैसे कुछ प्लेयर्स रहेंगे इस मैच के बारे में, कौन से जो प्लेयर्स है वो बड़े मैच में आज के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से प्लेयर्स के फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक आपको देखना है, एंड बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो फिर कहीं ना कहीं बड़े मैच में कमाना छोड़ दोगे। पूरे 100 में कमाए, आखिर के 2 मैचेस भी ज़बरदस्त करने वाले, तो आज शुरुआत एलिमिनेटर से कर रहे हैं अपने की, एंड कैसे कुछ देखते हैं इस मैच की बातें रहती है। बाकी उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप जो कोई भी मैच की वीडियो है वो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि सभी जो अपडेट्स है टीम्स है या लाइक कोई भी मैच के बाद अपडेट्स आती है, मतलब मैच के हेडलाइन के लाइक आसपास जो भी अपडेट्स आते हैं वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलती है, क्योंकि जल्दी यार YouTube पर अपलोड नहीं हो पाती चीज़ें। तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मैच की बात करूँ, एलिमिनेटरी ये मैचेस हो दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर द रोज बॉल साउथम्पटन में मैच है, मतलब किसी भी टीम का ये एक तरीके से होम ग्राउंड नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू एक, और ये काफ़ी एक गुड बैटिंग सर्फेस है। अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो विद हाई स्कोर्स बींग लाइक पोस्टेड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस 173 इज द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर। जो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो 173 के आसपास है, 173 जो यहाँ का एवरेज है, मतलब डेफिनेटली आपको अच्छे रन्स बनते हुए इस वेन्यू पर जो है आज के मैच में दिख सकते हैं। एंड दोनों टीम्स के बॉलर्स भी इतने, मतलब मैं बोलूँगा कि एकदम टॉप लेवल नहीं है, टॉप लेवल क्वालिटी बॉलर्स नहीं है दोनों ही टीम्स में, तो हो सकता है कि आपको लाइक एक अच्छा स्कोर डेफिनेटली देखने को मिले, कोई चांसेस ही नहीं कम के। 8 मैचेस हुए यहाँ पर 100 के, 2 जीते बैटिंग फर्स्ट ने, 6 जीते बैटिंग सेकंड ने। चेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है, बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस सीज़न जो मैचेस हुए ना वो 2 बैटिंग फर्स्ट और 2 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं, मतलब इस सीज़न थोड़ी चीज़ें अलग रही है। पिछले सीज़न जो भी मैचेस ग्राउंड पर हुए थे सब चेज वाली टीम ले जा रही थी, बट इस बार तो दोनों के चांसेस बनेंगे, डिफेंड करने वाली टीम के भी और यहाँ से चेज करने वाली टीम के भी। अगर हम बात करें इनके कुछ रीसेंट मैचेस की, मतलब अगर पेसर्स और स्पिनर्स का हम यहाँ से देखते हैं कैसे कुछ है चीज़ें, तो देखो 3 अगस्त को मैच हुआ, स्कोर बहुत कम बना था, सिर्फ 107 जो कि चेज हो गया बड़ी आसानी से। स्पिनर्स पेसर्स के विकेट देखते हैं, पूरा एकदम पेसर के फेवर में मैच गया था, 6 विकेट पेसर्स के थे, 1 विकेट स्पिनर का। 12 अगस्त के मैच पर आते हैं, लंदन स्पिरिट ने बनाए 147, जहां पर फिर साउथम्पटन ब्रेव को हरा दिया उन्होंने, ठीक है। वहीं पर विकेट्स की बात करूँ, सेकेंड इनिंग में आपको स्पिनर्स के विकेट देखने को मिलते हैं, दोनों इनिंग में पेसर्स थे, ओवरऑल 7 विकेट थे पेसर्स के और 3 विकेट यहाँ से स्पिनर्स के देखने को मिलते हैं। अब आते हैं उसके नेक्स्ट मैच में जो कि रहा 18 अगस्त को। अब एक चीज़ आप इसमें भी कॉमन देखोगे, यहाँ पर पेसर स्पिनर दोनों ठीक है, बट मेन चीज़ क्या है जो इन तीनों मैचेस में कॉमन थी, लेकिन इसमें नहीं थी, पहले मैच में तो सिर्फ 1 ही विकेट था क्योंकि, बट आप इन दोनों मैचेस में क्या देखोगे कि सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर्स ने कुछ ना कुछ अच्छा काम जो यहाँ पर किया है, इक्वल है विकेट्स। 25 अगस्त को जो सबसे रीसेंट मैच है, ट्रेंट रॉकेट्स ने बनाए थे 138, साउथम्पटन ब्रेव ने वो टारगेट को 95 बॉल्स में लाइक चेज कर दिया था। विकेट्स की बात करूँ, पेसर्स एज यूजुअल दोनों इनिंग में अच्छा कर रहे हैं, वहीं पर स्पिनर्स की बात की जाए इसमें सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले और फर्स्ट इनिंग में मिले थे सिर्फ 2, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते यहाँ पर। हाँ डेफिनेटली सेकंड इनिंग के स्पिनर्स जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनके विकेट लेने के चांसेस थोड़े से जो है ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, बट पेसर्स जो है वो आपके लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट बनेंगे। दोनों इनिंग में अपने जो पेसर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस जो है जरूर देकर चलना, स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा मत करना, मतलब ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन ही कहीं आप कर दो या बहुत सारे आप स्पिनर टीम में रख लो, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। बाकी बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की कि क्या कुछ इनकी जो प्लेइंग एलेवन है, क्या कुछ इनके प्लेयर्स निकल कर आते हैं। तो इधर से प्लेइंग एलेवन मैं बोलूँगा अभी तक तो आपको याद तक हो गई होगी, बट प्लेयर्स आज के मैच के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे एक एक प्लेयर समझाने का कोई कोशिश नहीं रही है अब, क्योंकि एलिमिनेटर है, आपने 30 मैचेस देखे इन टीम्स के, सभी टीम्स के मिलाकर, तो डेफिनेटली अब तो रिसेंट फॉर्म तक याद हो गई होगी यार तुम्हें किसका कौन कैसा कर रहा है। तो लोरी इवांस और फिल सॉल्ट की बात करूँ, देखो अभी तक ऐसा हुआ है 3-4 मैचेस ये दोनों प्लेयर्स ना आपस में खेल रहे हैं, मतलब ओपनिंग कर रहे हैं, तो बहुत कम ऐसे चांस हुए कि दोनों ही प्लेयर्स ने रन बनाए हैं,
ठीक है, यहाँ पर कोई एक ही अच्छे रन बनाता हुआ दिखता है। लाइक आप देखते हो इधर से, ये वाली जो पार्टनरशिप रही थी ना यहाँ पर, ये पार्टनरशिप, इसमें दोनों ने अच्छे रन बनाए थे, बट उसके बाद जो दो मैचेस हुए फिल सोल्ट के अच्छे रन थे, फिर जो नेक्स्ट मैच हो उसमें यहाँ पर लोरी वन जल्दी आउट हुआ, फिल सोल्ट ने 19 बनाए। तो फिल सोल्ट काफ़ी टाइम बाद लाइक आउट हुआ था, बट डेफिनेटली एक अच्छा प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि प्रेफर करके चलेंगे। एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं मानता हूँ कि आज के मैच में आप इसको जो है यहाँ से बना सकते हो। लोरी वांस कहीं ना कहीं एक रिस्क के पिक ज़रूर है यहाँ पर। अब लोरी वांस अगर नहीं लेते हैं हम अपनी टीम में, और ले भी सकते हो अगर आपको लेना है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में, अब जो बैटिंग सेक्शन में बचे नहीं है, काफ़ी सारे ऑलराउंडर सेक्शन में शिफ्ट कर दिए फैंटेसी एप्स ने, तो यहाँ पर आपके पास में बैटिंग सेक्शन में ऑप्शंस नहीं है। तो हाँ बिल्कुल लोरी वांस को लेकर तो चल सकते हैं, बट अगर आप रिस्क लेते हो मेरी तरह की, भाई लोरी को हम नहीं लेंगे, कोई ना कोई एक जल्दी आउट होने के चांसेस है, तो फिर विन मैटसन जो कि दो मैचेस हो चुके हैं, पहले तो इसकी बैटिंग के साथ में छेड़खानी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, कभी नीचे कभी ऊपर, बट अभी ऐसा लग रहा है कि नंबर तीन कहीं हद तक ना बिल्कुल एक कंफर्म है, क्योंकि एक जल्दी आउट हो रहा है तो विन मैटसन थोड़ा इनिंग को आकर ना संभाल रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इस बंदे के पास में, जल्दी रिटायर होने वाला वैसे भी है। बाकी लास्ट मैच में 53 बने, उससे पहले इसने बनाए थे 20 रन। तो अब अगर लोरी वांस को आप ना लो तो वेन मैडसन कहीं ना कहीं आपके लिए उस केस में इंपॉर्टेंट बनता है, एंड ग्रैंड लीग के लिए भी वेन मैडसन को आप एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन जो है बिल्कुल आप ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि नंबर तीन पर ये अच्छा खेलता है। अगर आपने पहला मैच देखा होगा जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का हुआ था, उसमें इसने कहीं 42, 43 या 49 रन के आसपास इसने बनाए थे, जहाँ तक मेरे को रफली याद है 40+ रन थे, 50 से नीचे थे उसमें इसका था। बाकी उस मैच के बाद से सीधा इस मैच में इसका परफॉर्मेंस आया और वही बैटिंग ऑर्डर पर आया है जहाँ पर पहले किया था, ठीक है। तो इसी वजह से एक आप ग्रैंड लीग में अगर इसको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद में ट्रिस्टन स्टेप्स से काफ़ी रेगुलरली बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग में भी ठीक ठाक है, डेफिनेटली एक मस्ट पिक कंडीशन आपके लिए रहेगा, बट स्पिनर्स को उतनी मदद है नहीं, लास्ट मैच में भी दो मैचेस हो चुके हैं विकेट लेस जा रहा है, तो जैसे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे थे वैसे मत करना। उसके बाद में इधर से एस्टन टर्नर है, डेफिनेटली एक हैंडी बैट्समैन है, कहीं ना कहीं आपको 15-20 रन की उम्मीद जरूर आप इनसे लगा सकते हो, तो ग्रैंड लीग में किसी कॉम्बिनेशन में रखो तो रखो, वरना स्मॉल लीग में कहीं कुछ मैं इंपोर्टेंट नहीं मानता हूँ इनको। एंड एक ही मैच लाइक यहां पर बॉलिंग कराई थी, इसके बाद में कोई बॉलिंग देखने को मिली नहीं है, तो बॉलिंग से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा सकते। पोल वॉल्टर शुरुआत तो बेकार रही थी पोल वॉल्टर के लिए, पहला मैच अच्छा था, उसके बाद में लगातार फ्लॉप जा रहा था, बट अभी जो मैचेस ने इसने लय पकड़ी है ना, मैं बोलूंगा स्पेशली बॉलिंग से, तीन विकेट यहां पर, एक विकेट पिछले मैच में विकेट लेस गया कहीं हद तक, बट उसमें भी 12-13 रन बना गए थे और एक आई थिंक कैच भी ली थी, तो काफ़ी सही फैंटेसी पॉइंट्स दे गया था, तो कहीं ना कहीं अभी अपने लिए जो है काफ़ी हद तक एक सेफ पिक है, बट भावनाओं में बह के कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बोलूँगा वापस से मत कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना पिछले मैच में परफॉर्म किया है, अच्छा इसके 40 पॉइंट दिए थे पिछले मैच में, ऐसे तो किसी ने नहीं दिए, तो 40 पॉइंट पर कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, सबसे हाईएस्ट पिक प्लेयर है कैप्टन तो बनना नहीं चाहिए, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो बिल्कुल ले सकते हैं इधर से ट्रिस्टन स्टेप्स और पोल वॉल्टर को, बट एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ठीक नहीं रहेंगे। उसके बाद में आता है टॉम लेमनोवी, डेफिनेटली मैं इस प्लेयर को सजेस्ट करता आपको, बट एक तो बॉलिंग का भरोसा नहीं है इसका, इस मैच में जो थे 26 रन बनाए बट बॉलिंग नहीं कराई, लास्ट मैच में इसने काफ़ी हद तक बॉलिंग कराई और एक विकेट भी इसने निकाल लिया, तो बॉलिंग का कुछ ज़्यादा भरोसा है नहीं इसका, बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहा है, बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम ये डालता है। ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा जहां आप वेन मैडसन के ऊपर रख लो, कहीं ना कहीं एक दो टीम में आप लेमन ओबी को भी लेकर चल सकते हो, यहां से पोल वोल्टर को हटाकर मतलब लेमन ओबी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा जोशुआ लिटिल मस्ट पिक है, बाकी भाई साहब फॉर्म देखो इसकी कितनी ज़बरदस्त है, और आपको याद होगा तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का मैंने जो लास्ट मैच था वो कवर नहीं किया था, बस उससे पहले जो मैच था उसमें बोला था आपको कि जोशुआ लिटिल डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है, और आज के लिए भी आपकी जो है ग्रैंड लीग की टीम में या मिनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन ऑप्शन रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद में आता है टॉम हार्टले के ऊपर, सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बॉलर अगर कोई रहा है ना, कि वो पूरी बॉलिंग करेगा कि नहीं करेगा, विकेट लेगा कि नहीं लेगा, वैसा है। अब देखो इसने जो ये एक एक विकेट निकाले है ना, इसमें कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें इसने सिर्फ 5 बॉल डाली और एक विकेट निकाल लिया, कम से कम 2-3 मैचेस ऐसे हैं, ठीक है। अब स्पेशल थिंग क्या है कि ये जो 2 मैचेस हुए हैं ना जिसमें इसने 4 विकेट निकाले और जिसमें इसने 0 विकेट, मतलब पिछले मैच में विकेट लेस रहा, ये दोनों मैचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके रहे, एंड इन दोनों मैचेस में क्या था कि इसने बॉलिंग पूरी कराई है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी। तो अगर आपको रखना हो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, काफ़ी सही स्पिनर्स है, और अगर आप रखते हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक लेकर चल सकते हो। आप इधर से पर्किंसन नहीं ले रहे हो तो टॉम हार्टले को कहीं ना कहीं आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक स्पिनर तो टीम में रहना चाहिए, मैं डेफिनेटली स्टब्स बॉलिंग करेगा यहाँ से, बट एक स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर तो आपकी टीम में होना चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ में आप जा सकते हो। उसके बाद में इधर से रिचार्ड लीसन है, काफ़ी सही बॉलिंग पिछले 5-6 मैचेस में देखने को मिली है और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी है, एंड कहीं ना कहीं अच्छी वापसी की थी पिछले मैच में 2 विकेट निकालकर, और इस मैच में पूरी उम्मीद रहेगी कहीं ना कहीं एक बॉलिंग अटैक को यही संभालने वाले। तो लीसन
जोशुआ लिटिल आपके लिए मस्ट है, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, पूरी बॉलिंग करने वाले दोनों ही। उसके अलावा आप यहाँ से पोल वोल्टर, ट्रिस्टन शब्स और लोरी वांस से विन मैटसन में से एक और फिल सोल्ट आपके लिए मस्ट हो। ये तो हो गए कुछ इस टीम की बात। अब आते हैं नेक्स्ट निकलकर लंदन स्पिरिट जो हमारी टीम रहने वाली है आज के लिए। तो लंदन स्पिरिट की बात करें तो देखो एडम रोसिंगटन है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, बाकी देखो सीधा है बैटिंग टेक्निक तो भाई की कुछ मेरे को ज़्यादा खास लगी नहीं, ठीक है। सीधा है कि आओ घुमाओ मोहम्मद शहजाद जैसा है कुछ, आपने देखा है कभी अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद को, ये कुछ वैसा है। चाहे आप किसी भी टाइप में इसको रख लो, किसी भी कंपैरिजन में दो सब तरीके से लाइक दोनों एक जैसे है, आओ मारो आउट हो जाओ, नहीं मारे तो 50 मार जाओ, ऐसा इनका सीन रहता है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क पिक जरूर मैं मानता हूँ कि शुरुआत में डेफिनेटली रोसिंगटन के अगेंस्ट में स्ट्रैटेजी जरूर होगी ओरिजिनल्स के बाद में कि लाइक इतना कुछ मारने के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं स्लोअर वन या वेरिएशंस के साथ में जल्दी आउट करने के चांसेस कहीं ना कहीं बनते हैं एडम रोसिंगटन के। जैक क्रोले, एक तो इस प्लेयर का अलग ही चलता है, कभी आता है टेस्ट में चला जाता है, टेस्ट शुरू हुआ तो 100 में है, टेस्ट नहीं चल रहा तो चलो 100 में खेल के आते हैं, वैसा सीन है। बाकी एक ओपनर यहाँ से भी आप रखकर चल सकते हो जो कि या तो जैक क्रोले हो सकते हैं और रोसिंगटन, किसी भी एक को ले लेना, दोनों ही मैं रिस्की मानता हूँ। बाकी बेन मैकडरमॉट, एक मैच से मैंने बोला था आपको फर्क नहीं पड़ता और वैसे इसने अगले मैच में साबित कर दिया 36 रन बनाकर। डेफिनेटली इस मैच में आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन अगर करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी सेफ है चाहे आप इसकी पिछली कितनी ही इनिंग्स देख लो यहाँ से। उसके बाद में आता है डैन लोरेंस, ये एक परफॉर्मेंस के बाद में ना भाई साहब पीके पड़ गए, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पा रहा और ये उतना स्पिनिंग ट्रैक है नहीं जहाँ पर लंबे लंबे स्पिन मिले लोड्स की तरह, तो उतना ज़्यादा मैं इंपोर्ट नहीं मानता हूँ। टीम में जरूर रख लेंगे एज अ सेफ पिक, बट एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन कंसिडर मैं नहीं करूँगा। ओइन मॉर्गन आते हैं, एक मैच अच्छा बाकी के तीन मैच खराब है, उसके अलावा अभी बो पा रहा है बॉलिंग कर नहीं रहा है, बैटिंग से कुछ उम्मीद आप डेफिनेटली लगा सकते हो कि 25-30 पॉइंट्स आपको दे जाए फैंटेसी में। जॉर्डन थॉमसन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक मस्ट पिक कैटेगरी में रखना है इसको, राइट आर्म मीडियम विकेट्स वगैरह काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी अगर आपको ट्राई करना हो तो आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कर सकते हो। एंड ग्रैंड लीग के लिए इन प्लेयर्स में से जैक क्रोले और वॉशिंगटन को कैप्टन बना लेना, ठीक है, बाकी और तो लाइक ग्रैंड लीग के लिए मेरे को सही नहीं है। लियम डॉसन या फिर मैसन क्रेन कोई एक आप लेकर चल सकते हो, अब लोड्स की पिच थी पिछले मैच में और काफ़ी ज़्यादा एक स्पिनिंग ट्रैक में बोलूँगा कि वो होता है हमेशा से, विकेट्स खतरनाक तरीके से मैसन क्रेन और डॉसन को मिले थे। मैसन क्रेन का तो ऐसा था कि पिछले मैच में डाली 5 बॉल, इसमें कर गया पूरी बॉलिंग और साथ ही साथ 4 विकेट भी निकाल गया, तो डेफिनेटली इम्पोर्ट तो बनेगा, बट इन दोनों में से कोई एक ही इम्पोर्ट बनेगा, कोई एक ही चांस, किसी एक के चांसेस इधर से रहेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा विकेट्स निकाल ले, तो आप इन दोनों में से किसी पर भी एक जो है अपना दाव खेल सकते हो मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ रहती है, कभी डॉसन कम बॉलिंग करता है, कभी मैसन क्रेन कम बॉलिंग करता है, कभी ऐसा होता है कि दोनों बॉलिंग पूरी कर जाते हैं, तो इम्पोर्ट लाइक एक ही बनेगा आपके लिए, तो आप इन दोनों में से किसी पर भी ना कोई एक जा सकते हो, ठीक है, बाकी दोनों ही सही है। ये राइट आर्म लेग ब्रेक है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है। नथन एलिस का कुछ ज़्यादा अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है, बात करूँ ब्रेड व्हील की तो इनको इन्होंने क्रिस वुड की जगह पर इंक्लूड किया जिनका फॉर्म उनसे भी ज़्यादा खराब है, अब मेरे को समझ नहीं आया क्रिस वुड इंजर्ड है कि नहीं है, बाकी अगर क्रिस वुड आता है तो डेफिनेटली मैं उसको पिक करूँगा, ब्रेड व्हील उतना मेरे को कुछ खास लगा नहीं। और अगर हार सकती है ना ये टीम, देखो स्पिन अगर नहीं चला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर नहीं चला ना इस टीम में, तो लंदन स्पिरिट का मैं बोलूँगा हारना तय है, क्योंकि इनकी बॉलिंग में कोई कुछ ज़्यादा अच्छे पिक्स है नहीं। एलिस चल रहा है खराब फॉर्म में, ब्रेड व्हील की कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगा कि पिछले 5 मैच में ब्रेड व्हील ने सिर्फ 1 विकेट निकाला है। डॉसन या क्रेन में से किसी एक से उम्मीद लगा सकते हैं, अकेला जॉर्डन थॉमसन करेगा क्या, इसी वजह से हारने के चांसेस इनके ज़्यादा है, तो आप ट्राई करना मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के फेवर में टीम बनाने का। बाकी टीम वेन्यू स्टैट्स की बात की जाए, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से एक मैच खेला इस ग्राउंड पर जो कि जीता है, सेम हाल लंदन स्पिरिट का रहा है, उन्होंने भी एक ही मैच खेला और वो इन्होंने विन किया था। अब आते हैं इस वेन्यू पर रन्स किस प्लेयर ने अभी तक बनाए हैं इन दोनों टीम्स में से, ठीक है, तो उसमें सबसे आगे जो निकल कर आता है लियम डॉसन, रनों के मामले में भी 39 इनिंग्स में 439 रन्स है और एवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि भाई बॉलर है, इतनी नीचे बैटिंग आती है, थोड़े थोड़े करके बना दिए रन्स। उसके अलावा रवि वो पा रहा है 14 इनिंग्स में 366 28 के एवरेज के साथ में, देन डैनियल बेल ड्रमंड है 11 इनिंग्स में 252 रन विद एवरेज ऑफ 22.91, एंड उसके बाद में मॉर्गन है 17 इनिंग्स में 221 रन और एवरेज है 28.15, मतलब एवरेज सबका ठीक ठाक है, तो बपारा ड्रमंड मॉर्गन सब डिसेंट ही बनेंगे, इसके अलावा कोई ज़्यादा प्लेयर्स निकल कर नहीं आते। बट लियम डॉसन आपने देखा कि बैटिंग में भी चलो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, 14 का एवरेज मैं बोलूँगा खराब ही होता है, अच्छा तो नहीं होता है,
बट एक चीज़ है कि वो इस ग्राउंड से भली बात ही, लाइक मैं बोलूँगा कि एकदम अच्छे से जानता है इस ग्राउंड को, इस ग्राउंड की पिच को। लियम डोसन 50 इनिंग्स में 57 रन तो आपको देख 57 विकेट्स तो आपको बॉलिंग में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बैटिंग में भी कुछ ना कुछ किया ही हुआ था। उसके अलावा क्रिस वुड है 67 इनिंग्स में 70, अगर ये इंजर्ड नहीं है तो आई थिंक कि क्रिस वुड को खिलाना चाहिए यहाँ पर, ब्रैड विल या नथन एलिस की जगह पर, स्पेशली ब्रैड विल की जगह पर खिला सकते हैं। एलिस का कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस काम आ सकता है अगर डेथ ओवर्स में मैच फंसे तो। बाकी मैसन क्रेन है 29 इनिंग्स में 30 विकेट्स, ब्रैड वील है 15 इनिंग्स में 23 विकेट। स्पेशली इस ग्राउंड पर तो ब्रैड वील का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट उतनी कुछ अच्छी रिसेंट फॉर्म नहीं थी तो इसी वजह से प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा टोबी रोलैंड जोन्स है जो कि 6 इनिंग में 10 विकेट्स इस ग्राउंड पर निकाल चुका है। अब आई होप कि आपको मैसन क्रेन और लियम डोसन की जो एक है ना कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो क्लियर हुआ होगा। डेफिनेटली अगर आपको जानना है कि भाई जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं विकेट्स भी निकाले तो वो लियम डोसन है, बाकी ठीक ठाक मैचेस मैसन क्रेन ने भी 29 यहाँ पर खेले हुए हैं। हेड टू हेड की बात की जाए दो मैचेस दोनों मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने जीते। अब आ जाते हैं आज के प्लेयर बैटल्स के ऊपर, बट उससे पहले आपके लिए एक है आज का गिव अवे का क्वेश्चन। ठीक है, गिव अवे का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 3, 4 और यहां से 5 नंबर के जो बैट्समैन रहेंगे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स टीम के, 3, 4 और 5 नंबर के जो बैट्समैन रहेंगे वो टोटल मिलकर कितने रन बनाने वाले हैं, आपको सिर्फ ये बताना है। ठीक है, 3, 4 और 5 नंबर के बैट्समैन कितने रन बनाएंगे। एंड इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूँ मैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि कितने रन्स बनेंगे। कोई ऐसा भी होता है जल्दी आउट हो जाता है 3, 4, 5 में भी, कोई ऐसा होता है कि ज़्यादा रन्स बनाया जाए, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो डेफिनेटली आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में कि कोई भी आए बैटिंग करने आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का बैट्समैन कुल मिलाकर, अलग अलग मत लिख देना वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, आपको बताना है इन सब के मिलाकर कितने रन्स जो है होने वाले हैं। सिर्फ ये है, मल्टीपल कमेंट्स नहीं करने और आपको कमेंट को एडिट नहीं करना, सिर्फ ये कंडीशंस आपके लिए है। उसके अलावा बात की जाए देखो प्लेयर बैटल की, कि प्लेयर बैटल्स इधर से कौन कौन से, तो फिल सोल्ड जो है अगेंस्ट लियम डोसन 26 बॉल में 3 बार आउट हो चुके हैं, और उसके अलावा लेमनो भी है जो अगेंस्ट मैसन क्रेन 26 बॉल में 4 बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर बात की जाए कोलिन एकरमैन अगेंस्ट जॉर्डन थॉम्पसन 29 बॉल्स में 2 बार विकेट है। उसके अलावा लोरी इवांस अगेंस्ट मैसन क्रेन 35 बॉल में यहां पर जो है 2 बार आउट होते हुए दिख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं फिल सोल्ट और लोरी इवांस दोनों के लिए, दोनों ही स्पिनर्स लियम डोसन भी एंड यहाँ से मैसन क्रेन भी, दोनों ही जो है एक घातक साबित हुए हैं। उसके बाद में बात की जाए इधर से हमारी जो कुछ मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के जो रहने वाले हैं उसमें जोश इंग्लिश है जो अगेंस्ट कैल्विन हैरिसन 3 बॉल में 2 बार, रवि बपारा अगेंस्ट बोल वोल्टर 5 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं। बात की जाए इधर से जॉर्डन थॉम्पसन की, वो अगेंस्ट ग्लीसन 5 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं। बेन मैकडरमट अगेंस्ट टॉम लेमनो भी 10 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेयर बैटल तो देखो काफ़ी सारे इस मैच के लिए। उसके अलावा एडम रोसिंगटन अगेंस्ट फ्रेड क्लासन है 16 बॉल में और 2 बार अपनी जो विकेट्स है वो ये दे चुके हैं, तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बनेंगे, बट कहीं हद तक आप थोड़ा दिमाग में रख सको, क्योंकि देखो 2 विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी हो जाते हैं, एक बार किस्मत से हुआ एक बार तुम ले गए तो ठीक है, बट 3-4 हो तो मानना पड़ता है। 3-4 में कौन आता है, 3-4 में इधर से टॉम लेमनो भी अगेंस्ट मैसन क्रेन है, और फिल सोल्ट के लिए अगर लियम डोसन को शुरुआत में ही लगा दिया गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी फिल सोल्ट के लिए। बाकी बात है स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन, देखो स्मॉल लीग के लिए जो जो मैंने वहाँ पर सेफ बनाए थे वही है। फिल सोल्ट आपके लिए एक अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, बेन मैकडरमट को आप एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो, जॉर्डन थॉम्पसन को आप ऐसा जो है वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, ये 3 जहाँ तक मैं स्मॉल लीग के लिए मानता हूँ। ग्रैंड लीग की बात की जाए तो ग्रैंड लीग के लिए 2 ही ऑप्शन जहाँ तक मैं को सभी से सही लग रहे हैं इधर से, एक तो है लियम डोसन का, उनके रिकॉर्ड की वजह से काफ़ी अच्छा लगे यहाँ पर खेलते हैं। चांसेस देखो ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्पिनर विकेट ले, हो सकता है कि जो 3-4 विकेट स्पिनर लेता है इस ग्राउंड पर वो एक ही ले जाए, तो लियम डोसन के हैं वो चांसेस। उसके अलावा एडम रोसिंगटन को आप ट्राई कर सकते हो, एंड जो मैंने आपको विन मेडसन और इधर से सब बताए वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आप कुछ चाहो तो। ठीक है, बाकी मेरे अभी के लिए तो मोस्टली जो टीम्स में 3-4 टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने वाला वो ये दोनों है। बात की जाए अब टीम की, क्या आज के लिए टीम क्या रह सकती है हमारी, तो टीम की जब बात की जाए तो उसमें मैंने फिल सोल्ट को रखा है एज अ विकेट कीपर, बैट्समैन सेक्शन में बपारा है, बेन मैकडरमट है और लोरी इवांस है। मैंने रख लिया इधर से बपारा को थोड़ा सा अलग जाने के लिए, बाकी आप चाहो तो डेफिनेटली बपारा की जगह पर आप किसी और के साथ में जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में लॉरेंस है, वोल्टर है, थॉम्पसन है और स्टब्स है, चारों लाइक ऑलराउंडर है आपके पास में। एक ग्रैंड लीग के लिए टॉम लेमनो भी ऑप्शन है अगर आप पिक करना चाहो तो टॉम लेमनो भी को। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में जोशुआ लिटिल, रिचार्ड ग्लिसन और इधर से मेरे को कोई मिला नहीं तो मैंने नथन एलिस को रखा है, क्योंकि देखो मैसन क्रेन मेरे को पिक करना नहीं था क्योंकि मेरे पास में लाइक आप पिक कर सकते हो डेफिनेटली मैसन क्रेन को, या फिर आप यहाँ पर जो लियम डोसन आई थिंक ऑलराउंडर सेक्शन में वो मेंशन है जहाँ तक मेरे को याद है, तो अगर आपको लियम डोसन को पिक करना हो तो आप किस पर रिस्क ले सकते हो।
तो आप यहाँ पर डैनियल लोरेंस के ऊपर रिस्क ले सकते हो अगर आपको डॉसन को पिक करना पड़ा तो, आई थिंक, क्योंकि आई थिंक सो टीम में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। आप यहाँ पर एलिस की जगह पर मैसन क्रेन ले सकते हो, या फिर आप डैनियल लोरेंस की जगह पर जो है लियम डॉसन के साथ में जा सकते हो। ये कुछ टीम है, शायद मैंने गलती से लाइक थोड़ा सा गलत क्लिक करके एलिस पिक कर लिया, अदरवाइज यहाँ पर मैं मैसन क्रेन करने वाला था। तो ये कुछ टीम रह सकती है। कैप्टन है मेरे फिल सोल्ट, वाइस कैप्टन में गया हूँ इधर से जॉर्डन थॉमसन के साथ में, एंड वाइस कैप्टन अगर आपको ट्राई करना है तो आप तो बेन मैकडरमॉट को कर सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पर लाइक वाइस कैप्टन आपके लिए ट्राई करने के लिए। तो ये तो रही कुछ टीम, एंड बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप जो कोई भी मैच की वीडियो आगे वो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल भी वहां से जो ज्वाइन करके चल सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जल्दी।